डाली डाली फूलों की। तो फाइनली पहुंच गया हूं हेमोर के घर और यहां क्या तैयारियां चल रही है, क्या बन रहा है? अंकल जी आपकी डायरी पहुंचा दी मैंने सही समय मुझे मिल गई। जो कल तू सूट पहन के आ गया नहीं तो क्या मोटापे में, तो मैं भी टेस्ट करती हूँ, नहीं तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग। बहुत बढ़िया बनाया था, मजा आ गया पाव भाजी, वो बड़ा पाव खा गए। और उनके पास कोई काम नहीं है, पकड़ के खड़ी हो जाती है बस। ये काम सबसे बड़ा है। नहीं पी हूं तो खा रही अपना के। किसकी पिटाई? गुड्डू की। काही नहीं खेलने के लिए ऐसे। खा लिया फिनिश? यहाँ चल रहा है इनका जूते पहनो अभियान। ये लेट बहुत देर आए दुरुस्त आए। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। दौड़े पिछला ब्लॉग आपने देखा, तो आज हम मैसेज आ चुके हैं और अपने घर में, और आज का कुछ मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया वैसे भी, बट क्या है कि मेरे पास जब अम्मा थी हमारी मौजूद, तब उससे पहले के काफ़ी सारे ब्लॉग हमने जो शूट किए थे अम्मा के चले जाने की वजह से हम नहीं डाल पाए। तो आज का ये व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन जिस रात अम्मा की डेथ हुई थी। तो उसी दिन संजय का बर्थडे भी था, तो बर्थडे की पार्टी हमने सभी लोगों ने एंजॉय करी थी। उसके बाद पापा लोग घर गए थे और रात को अचानक फोन आया कि अम्मा चली गई। तो फिलहाल हमने व्लॉग उसी दिन का शूट किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये भी हमने शूट किया हुआ है तो यादें हैं तो दिखानी ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग संजय और के घर से। तो फाइनली पहुंच गया हूँ हेमोर के घर और यहाँ क्या तैयारियाँ चल रही है, क्या बन रहा है? बड़ा पाव बन रहा है। ये स्टार्टर बन रहा है, वाह गुड। तो आंटी मुंबई से है, तो मुंबई की चीज़ें तो यहाँ खाने को मिलेंगी मिलेंगी। तो आंटी आज मैं मुंबई का बड़ा पाव खिला रही हैं। पाव तो पाव तो यहीं का, लेकिन पाव तो एक जैसी होता होगा, क्या अलग होता है? वहाँ का अलग होता है ना, वहाँ का खुलने वाला। अच्छा वो अलग होता है थोड़ा, ये भी मीठा नहीं है, ये बर्गर वाला लाया हमें। अच्छा बट अभी इसके बाद डिनर का भी सरप्राइज है। ओके ये तो बड़ा, तो आज सारा सरप्राइज ही सरप्राइज है। और मैं जब मुंबई गया था एक बार पहले, आपने उस शायद मैं ब्लॉग नहीं बनाता था उस टाइम पे, तो उसमें मेरे को बड़ा पाव वहाँ का सबसे बढ़िया डिश लगी और मैंने खूब मजे से खाया वहाँ। इधर चंदू भैया है और ये है बर्थडे बॉय आज के। कितने साल के हो गए? 34 साल के हो गए भाई, चलो ठीक है। और ये देखो, हाय हाय प्यू, देखो प्यू कैसा लग रही है, ये तो ऐसे लग रही कितनी बड़ी हो गई, वाह ब्यूटीफुल। तो हेमू मेकअप पर लगी हुई है, सबके मेकअप कर रही है, वाह इनका चल रहा है मेकअप अभी। फुल रेडी होने के बाद बताओ, पहले देख लो बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर है, आफ्टर आपको बाद में दिख जाएगा। आतंकवादी यहाँ पहुँच चुके हैं, ये देखो डोरा पहुँच गई है यहाँ पर, और ये डुकू एक सबसे बड़ा आतंकवादी ये पहुँच गया है बिल्कुल। और हैप्पी बर्थडे तो करो मौसा को, संजय मौसा डोरा की मस्ती में ये भी पहुँच गए हैं। हेलो ओ भाई साहब, नीतू भी पहुँच गए तो बिल्कुल फुल रेडी होके आई है। पापा भी पहुंच गए हैं, पापा नमस्कार नमस्कार, पापा भी पहुंच गए, ये देखो सब लोग पहुंच गए हैं। हेलो अंकल जी आपकी डायरी पहुंचा दी मैंने सही समय पर, और मुझे मिल गई, धन्यवाद लाला भाई के ठाकुर जी का। चलो अभी मेरे को दे दे, कंपनी नहीं दिखाते अभी, खाली ऐसी रखते हैं। ये अंकल को दे दिया डायरी, मिल गई है उनका, लाला जी का ठाकुर भाई का धन्यवाद, हमारी इज्जत की स्तुति के। पापा को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबके लिए डायरी और कैलेंडर पहुँचाया। जो कल तू सूट पहन के आ गया, नीतू के मोटापे में बात चल रही है, सूट में मोटी लगती है, इसमें पतली लग रही है, तो जुम्बा का असर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यही डिस्कशन चल रहा है। नीतू जैसी थी वैसी है, अभी रहने दो उसको, मोटी पतली की नजर मत लगाओ। नीतू अमित को मैच करती रही पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा, बोलो अमित को मैच करती रही ज्यादा पतली में मत होइए, नहीं तो अमित को मैच। हम नीतू से कह रहे हैं आज तो थोड़ी पतली लग रही है पहले से, मेरा आशीर्वाद है इसको नजर मत लगे किसी के, मत लगे किसी की, बढ़ना तो है नहीं उसने, जितनी लंबी थी जितनी मोटी पतली हो।
आंटी वैसे इस बार सही रखा है आपने मेन्यू में ना, ये बहुत बढ़िया है। वैसे तो खाने में ही कुछ ऐसा शॉर्टकट रख लेते तो बढ़िया हो जाता। लाला ने रखा, लाला ने परसों वहाँ बनाया था वड़ा पाव, जो दिन तुम आ गए थे। अच्छा, मैं बोला ननद को विदा करके तुमने आज बनाए वड़ा पाव, मम्मी ने तो अपने ननद को खिलाया, तुमने अपने ननद भगाए। अपने ननद भगाए, मम्मी ने अपने ननद को खिलाए। लाला ने बोला बड़े भी हो गए, चलो बड़े ही नाम है। अच्छा, तब बना था ये वहाँ। लाला ने बोला बर्थडे में वही बनाओ, पर ये बढ़िया है। वैसे ये बढ़िया है, ये यहाँ पर वड़ा पाव आ गया, बन के रेडी हो गया वड़ा पाव। वाह, ये मिर्च के साथ मजेदार, मिर्च और चटनी के साथ आ गया वड़ा पाव। ये किसने रखा है? सबका चल रहा है ना, देखो संजय को, संजय ने टेस्ट कर लिया, कैसा हो रहा है? ये मुंबई वाले हो रहा होगा ना सेम बिल्कुल। यार मजा ही आ गया था उस दिन मुंबई में जब हमने खाया था ना, क्या मजा हो रहा है, कैसा हो रहा है भाई? टेस्ट बताओ जल्दी से कैसा हो रहा है। चाय आ रही है तो चाय, कैसा हो रहा है टेस्टी? बहुत ही, अभी चेक करके बताता हूँ कि मुंबई वाला टेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने मुंबई में खाया है और आंटी मुंबई बहुत टेस्टी था पापा, वहाँ खाया था ना, यही खा रहे थे पता, वहाँ तो जाके ना हरी मिर्च अभी अरे होगी है। अच्छा, वो बाहर से खाने वाली होती है ना, तंदे लगा दी, कमी नहीं है। हाँ, पाव की थोड़ा सा वो आएगी, वहाँ का पाव थोड़ा अलग होता होगा। नहीं, वहाँ का इसलिए अलग होता है ना, उसमें ये नहीं लगे होते ऊपर से तिल जैसे, ये जो लगे हुए ना ये सब नहीं होता, वो प्लेन पाव होता है। हमारे पाव थोड़ा अलग है, वहाँ के पाव थोड़ा अलग है। ये आ गई मिर्च भर भर के, तो मैं भी टेस्ट करती हूँ, नहीं तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग खा रहे हैं अभी। होने के लिए तो खैर बहुत है, बहुत बना हुआ है, पर मैं भी खाती हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूर कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। चाय आधा तो कर लियो, चाय लियो तुम, खा लियो है। और दुबू आतंकवादी को दिया, एक और ले लिया है मैंने, क्योंकि मैं लवर हूँ इसका, बहुत अच्छा लगा मेरे को मुंबई में। सही में यार, वहाँ पर ऐसा लग रहा था सुबह सुबह बस यही खाने में मजा आ रहा है, मजा ही आ गया था। फेमस है ना ये, वहाँ रेडियो पे मतलब हर जगह मिलता है, पर मजा ऐसा आ जाता है ना। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, टेस्ट तो पहले ही कर लिया, बहुत टेस्टी। मिर्च जैसी लग गई, मैं धुआं निकल रहा है कान से। यहाँ मस्ती चल रही है सबकी, संजय के बर्थडे की, और बाहर केक काटने की तैयारी हो रही है। अब चलते हैं बाहर। आंटी बहुत बढ़िया बनाया था, मजा आ गया पाव भाजी, वो बड़ा पाव खा के, और पाव थोड़ा सा मीठा हो रहा था, बाकी बहुत अच्छा था, स्पाइसी बनाया था। हाँ वही ना, बहुत अच्छा था। फाइनली यहाँ पर केक लगा दिया गया है, कैंडल जलाओ भाई, पहले सब बैठ गए हैं। आतंक बना रखा है, चलो 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 चलो, तालियां बजाओ। गॉड 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 गॉड, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से संजय को। केक वितरण चालू हो गया है, बाबू के पास कोई काम नहीं है, पकड़ के खड़ी हो जाती है। ये काम सबसे बड़ा काम है गाइस, तभी कल व्लॉग देखने को मिलेगा जब मैं आज बनाऊंगी। बहुत जबरदस्त केक था, सभा जब कर दिया मैंने, मजा आ गया। वीरेंद्र भी आ गए और ये भी आ गए हैं, सोनिया की तबीयत खराब है, वो नहीं आई है अभी, फीवर हो रहा है उसे, इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो गई है ना, आता तो उसको भी है। कल घुमाए
देख लो डोरा के मजे। और डुगू तो अपना हाथ पहले ही मार लेता, केक कट होना चाहिए, कट होने से पहले ही चाट जाता है। अभी सब बैठे हुए हैं, दादी बैठी है दो और इधर बैठी है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, और ये चंदू मासा और किसी भी देखते क्या सीन है, और ये रही हेमू मासी, ये रही पीहू जो खा रही अपने के, और ये रही पीहू की मम्मा। शाही पनीर रेडी हो गया है, मुझे लग रहा है सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा। इस या डोरा के मुंह में पानी आ रहा है। डुकू कैसे कर, डुकू कैसे पानी आ रहा है मुंह में, कैसे आता है, कहता मुंह के अंदर तक। ये देखो क्या चल रहा है भाई। हेलो हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। बिट्टू क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, दुग्गू खा रहा है, इसमें से निकाला दुग्गू ने, इसमें से निकाला, पिटाई करें किसकी, दुग्गू की पिटाई करनी है, चलो और डुग्गू की पिटाई करते हैं, आ जाओ आओ, कहाँ है डुग्गू, कहाँ है डुग्गू, दिखा दे, ये ला दुग्गू, मारू इसको, है? कौन खा लो है, दुग्गू खा लो है, मारू उसको, लगाओ थप्पड़, अभी बताती हूँ कहाँ है डुग्गू, डुग्गू अभी इधर आ, तेरे कान पे लगेगी, खड़े हो यहाँ से, खड़े हो जल्दी, डुग्गू नहीं है यहाँ से, खड़े हो जल्दी, डुग्गू खड़ा है, पिट्टी करूं, छी छी, पूरी फ्राई होने लग गई है, क्या हो गया, क्या तुमको बहुत गंदा है, किसने बोला है, इसका वो खा रहा है, वो इसकी चीज खा रहा है ना, किस किसने खाया, और किसने खाया, किसी ने नहीं खाया, तो दुग्गू गंदा क्यों है, उन्होंने खाया, खाया ओ मैंने मचा रखा है, यहाँ सबको मार मार के भगा रहा है, पता नहीं क्यों इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है सबसे, ये पिटने वाला है, क्या हुआ, ये देखो, ये देखो डुगू की लड़ाई, ये देखो, नहीं चंदू भैया बिट्टू जल्दी दिखाओ, फिनिश हो गया, ये भागु को मेरी, भागु को मेरी बात दिल पे लग गई है कि ये कैमरा ही पकड़ के रखती है, तो इसने कहा थोड़ी फूट गया, मैंने हेमू नीतू को पकड़ा दिया क्योंकि मैंने सोचा नीतू को ही मौका देना चाहिए कैमरा पकड़ने का, तो मैंने सोचा मैं पूरी बना लूँ, और भाभी भी मेरे साथ हेल्प करवा रही है पूरी बनाने में, पहले मैं अकेले बना रही थी जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया था, भाभी को मेरे पे तरस आ गया, तो भाभी ने कहा नहीं भावना तुम अकेले नहीं बनाओगे, मैं तुम्हारे साथ दूंगी पूरा पूरा, तो पूरी रेडी हो गई है सारी फूल के यहाँ पर, और आधे लोगों ने खा लिया है, आधे लोग खाने बैठे हुए हैं, तो अब आपको दिखाएंगे जो लोग खाने बैठे हुए हैं कैसा टेस्ट हो रहा है, उनसे जरा फीडबैक लेते हैं, और बोलेगी नीतू क्योंकि इसने बोला तो कैमरा पकड़ के रहती, तो अब नीतू वहाँ फीडबैक लेगी। गाइस आप कमेंट करें कि भावना को कैमरा ज्यादा पकड़ना चाहिए या काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये एक गेस्ट और आ चुके हैं, संजय के छोटे भाई हैं, चाचा जी के बेटे, और यहाँ पे इनका खाना शुरू हो गया है, खाना स्टार्ट हो गया इनका, इनको दूर जाना है, ब्लॉगर प्राइवेट बात हो रही है, बाहर जाओ, प्राइवेट बात हो रही है, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, पापा लाला निकलने लग गए हैं, और यहाँ नीतू की भी पैकिंग वैकिंग चल रही है, ये भी निकलेगी पापा इनके साथ अपने घर तक, पापा इन्हें ड्रॉप कर देंगे इनके वहाँ तक, लाला जाने लग गया है, स्तुति और मम्मी का पैक कर लिया इन्होंने, ये देखो लेट कमर्स लोग आ गए,
यहाँ लोग वापस जाने लग गए हैं और ये देखो अब आए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था वहाँ सारी फाइनल हो गई है। क्या मैं बहुत लेट आए, लेट हो गई, बहुत लेट का मतलब पापा के साथ रह गए। ये आए हैं लेट, बहुत देर आए, दुरुस्त आए, हमसे तो मिलने आए। ओ बाय बाय कर दो भाई, वहीं तक छोड़ने आएंगे तुम्हें। अमित भी पूरे साज बाज के साथ यहाँ पहुंच गए, ये सामान रख दिया अमित ने और ये अंदर बिना जूते खोले एंट्री हो जाती है अंदर। मेरे को समझ में नहीं आता कैसे जूते पहन के अंदर आ। सबका खाना पीना हो गया है और अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे ब्लॉग का ऐसे ही मजा लेते रहें। बाय बाय।